हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेक गाइड शेयर करूंगी, वो है मामा अर्थ के मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन का, विटामिन सी फाउंडेशन का। सो ये जो फाउंडेशन है ये हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड जब ये लॉन्च हुआ था उसी वक्त मैं इस वीडियो को प्रेप करके आप सबके साथ शेयर कर देती, बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बहुत दिन का गैप लिया। मैंने एटलीस्ट मैंने 8 डेज़ का गैप लिया यूट्यूब से, और उसके बाद मेरी जब तबीयत थोड़ी ठीक हुई तब मैंने एक वीडियो अपलोड किया, वो है मेबेलिन हाइपर कर्ल मास्कारा का रिव्यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वो वीडियो मैंने अपलोड। सो प्लीज़ आप चेकआउट ज़रूर से कर लीजिएगा, वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड गाइज, इस फाउंडेशन में जो है वो न्यू लॉन्च हुए हैं तो 7 शेड्स है इसमें, एंड 7 शेड्स है और डिफरेंट अंडरटोन के साथ है। तो अगर आपको अपने लिए कोई अच्छा फाउंडेशन लेना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, उसके लिए अगर आपको तो मुझे आप कमेंट ऑन कीजिएगा, मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी एंड नो स्पॉन्सर्ड वीडियो शेयर करूंगी। सो या गाइस, सो ये जो है इसमें 7 शेड्स है, तो इसमें विटामिन सी भी है, तो इसका जो शेड गाइड है वो तो बनता था मुझे करना और मैं इसका पहले ही कर देती जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा शेड किस स्किन टोन पे और किस अंडरटोन के लिए है। तो 7 शेड्स है, एक ही पार्ट में बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट शेड है वो है नंबर 1 शेड, यानी इस जो शेड का वो है नंबर 1 शेड एंड इसका जो शेड नेम है वो है आइवरी ग्लो एंड नंबर है 1। सो 1 नंबर एंड शेड नेम आइवरी ग्लो। अगर आप फेयर प्लस पिंक अंडरटोन हो देन आपको ये शेड लेना है आइवरी ग्लो अपने लिए। अगर आप फेयर हो, फेयर लाइक अगर आपको 2 स्किन टाइप दिख रही है, एक थोड़ा सा ज़्यादा पिंकिश है एंड एक थोड़ा सा कम पिंकिश है, बट ये दोनों ही जो अंडरटोन है वो पिंकिश है और इनका जो कलर है वो फेयर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप भी ऐसे ही हो तो आपको जो शेड लेना है वो आइवरी ग्लो। ये शेड आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा और आप बहुत अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हो इस फाउंडेशन का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा जो अगला शेड है वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर हो और आपका जो अंडरटोन है वो येलो है, इस अगर आपको नहीं पता है कि आपका अंडरटोन क्या है, आपके स्किन टोन क्या है, एग्जैक्टली आपका स्किन कलर क्या है, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम है, आप दूसरों को समझा नहीं पाते कि मेरा स्किन कलर ये है, मेरा अंडरटोन ये है, जब भी हम फाउंडेशन परचेज करने जाते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैंने सेपरेट रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है उसके लिए, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा गाइज़। सो गाइज़, अगर आप फेयर स्किन हो प्लस येलो अंडरटोन हो देन आपको जो शेड लेना है वो है शेड नंबर 2 एंड नेम है इस फाउंडेशन का शेड का, वो है क्रीम ग्लो। सो ये जो शेड है ये है बेसिकली फेयर स्किन और येलो अंडरटोन के लिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है बिल्कुल 3 काम। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर। तो चलिए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइस, हमारा जो अगला शेड है वो है बेसिकली मीडियम प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप मीडियम स्किन टोन हो और आपका जो अंडरटोन है वो येलो है देन आपको जो शेड लेना है वो है नंबर 3 शेड न्यूड ग्लो। ये शेड है मीडियम येलो स्किन टोन के लिए एंड येलो अंडरटोन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप ऐसे दिखते हो मीडियम स्किन टोन के, यहाँ पे 2 पिक्चर्स इसलिए दी हुई हैं ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए कि अंडरटोन इस तरीके के होते हैं एंड स्किन कलर अगर एक शेड ऊपर नीचे होता है कोई भी स्किन टाइप में तो हमें तब भी वही शेड लेना होता है। तो अगर एक शेड का ऊपर नीचे होता है तो हम ये शेड यूज़ कर सकते हैं। सो जो नंबर 3 का शेड है न्यूड ग्लो वो है मीडियम स्किन टोन येलो अंडरटोन के लिए। या गाइज, चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइज, हमारा जो अगला शेड है वो है मीडियम स्किन टोन प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आप मीडियम स्किन टोन हो और आपका जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है देन आपको जो शेड लेना है वो है नंबर 4 सैंड ग्लो। सैंड ग्लो जो शेड है वो है मीडियम न्यूट्रल स्किन टोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। जैसे मैंने आपको सब में बताया सेम एज इट इज़, इसमें भी कहूँगी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उतना नहीं आपको बोल रही हूँ, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ ले जो भी स्किन कलर है जैसे पिक्चर में दिख रही है। अगर आप ऐसे हो देन आपको वही शेड लेना है जो मैं बता रही हूँ, सैंड ग्लो मीडियम न्यूट्रल स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ में आए या एक पॉइंट भी ऐसा रहे कि आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट डाउन कर सकते, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। ओके गाइज, तो चलिए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। सो गाइज,
हमारा जो अगला शेड है वो है मीडियम डार्क स्किन टोन प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। अगर आपकी मीडियम डार्क स्किन टोन है और आपका जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, देन आपको जो शेड लेना है नंबर 5 वो है बेज ग्लो। नंबर 5 शेड बेज ग्लो जो शेड है वो है मीडियम स्किन टोन, मीडियम डार्क स्किन टोन और न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। सो इसमें जो मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए सिर्फ एक ही शेड है वो न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है। सो शेड रेंज और होते तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है इस फाउंडेशन को और यूज़ करने में। तो बहुत सारे लोग इस फाउंडेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, मीडियम डार्क स्किन टोन वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडिया में बहुत है, मीडियम स्किन टोन के लिए बहुत है। मीडियम स्किन टोन के लिए जो पिंक अंडरटोन के लिए शेड नहीं है, बहुत सारे शेड रेंज इसमें और बढ़ने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। सो मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए आपको जो शेड लेना है वो है बेज ग्लो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइज हमारा जो अगला शेड है वो है डार्क स्किन टोन प्लस न्यूट्रल अंडरटोन के लिए। तो आप देख रहे हैं न्यूट्रल अंडरटोन के लिए बहुत सारे शेड्स हैं। तो अगर आप डार्क स्किन टोन हो और न्यूट्रल अंडरटोन हो तो आपको जो शेड लेना है वो आमंड ग्लो। आमंड ग्लो जो शेड है वो डार्क स्किन टोन के लिए है एंड न्यूट्रल अंडरटोन के लिए है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब हम लास्ट शेड के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस हमारा लास्ट शेड है डीपर स्किन टोन प्लस येलो अंडरटोन के लिए। सो डीपर स्किन टोन में बस एक ही शेड है वो है येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप डीपर स्किन टोन हो देन आप अगर येलो अंडरटोन हो तो आपके लिए है इसमें शेड नंबर 7 टॉफी ग्लो। टॉफी ग्लो जो शेड है वो है डीपर स्किन टोन प्लस येलो अंडरटोन वालों के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आ गया हो और बहुत पसंद आया हो। अपने स्किन टोन और अपने अंडरटोन के हिसाब से आपको अपना शेड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो आप मेंटली। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपको रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो गाइस बाय।